पिछली कक्षा में हम अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण में पढ़ा हमने, और अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण से ये स्पष्ट हुआ कि अरस्तु ने किस प्रकार से शासन प्रणालियों को संख्या के आधार पर उसने जो है वह अलग अलग रूपों में उसको वर्गीकृत किया है, और उद्देश्य और लक्ष्य के आधार पर भी उसने बताया है कि शासन का जो सबसे शुद्ध सही स्वरूप जो है वह किस प्रकार का है, और शासन का जो विकृत स्वरूप है अर्थात जो भ्रष्ट स्वरूप है वह किस प्रकार का है। इस प्रकार से अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण को हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा था कि अरस्तु के संविधानों का जो वर्गीकरण है उसमें राज्य अथवा संविधानों के परिवर्तन की व्याख्या भी की गई है। अर्थात मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से एक ऋतु चक्र चलता रहता है उसी प्रकार से अरस्तु का संविधानों का परिवर्तन भी क्या है वह क्रम से परिवर्तित होता रहता है। जिस प्रकार से ऋतुएं बदलती हैं, एक के बाद दूसरी ऋतु आती है, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, उसी प्रकार से अरस्तु का जो संविधानों का जो परिवर्तन है वह भी यह चक्र जो है वह निरंतर चलता रहता है। जब एक शासन व्यवस्था में दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो उस शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था आती है, जब उस शासन व्यवस्था में भी दोष उत्पन्न हो जाते हैं, कमियां आ जाती है, तो अन्य दूसरी शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है। तो देखिए अरस्तु ने ये बताया कि राज्य अथवा संविधानों के परिवर्तन चक्र की व्याख्या उसने की, और ये बताया कि संविधानों का जो परिवर्तन चक्र है वह भी निरंतर चलता रहता है। जिस प्रकार से अरस्तु ने बताया कि शासन का पहला उसने जो शासन व्यवस्था मानी वो एक तंत्र या राजतंत्र बताया उसने, दूसरा उसने बताया निरंकुश तंत्र या स्वार्थी तंत्र, तीसरा बताया उसने कुलीन तंत्र, चौथा बताया उसने अल्पतंत्र अथवा वर्ग तंत्र, पांचवा बताया उसने संयत प्रजातंत्र या छठा बताया उसने अतिवादी लोकतंत्र या भीड़ तंत्र। तो अरस्तु ने शासन व्यवस्था के छह प्रकार बताए, और ये बताया कि शासन का जो सर्वश्रेष्ठ रूप है वह है राजतंत्र, और सबसे निकृष्ट स्वरूप है लोकतंत्र। तो अरस्तु ये बताता है कि जिस प्रकार से परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ऋतुएं बदलती रहती है, उसी प्रकार से ये चक्र भी क्या है चलता रहता है। जब एक तंत्र और राजतंत्र शासन व्यवस्था में कमियां आ जाती हैं, और ये राजतंत्र जो सबसे शासन व्यवस्था है जब यह है निरंकुश हो जाता है, और निरंकुश होकर यह स्वार्थी तंत्र में बदल जाता है, और जब निरंकुश तंत्र में कमियां या दोष उत्पन्न हो जाती हैं, जब शासक स्वार्थी बन जाता है और लोक कल्याण के कार्य नहीं करता, तब वह कुलीन तंत्र में बदल जाता है। कुलीन तंत्र में कुछ व्यक्तियों का शासन होता है, और जब यह शासन भी जो इसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो ये शासन व्यवस्था भी अल्पतंत्र और वर्ग तंत्र में बदल जाती है। जब अल्पतंत्र और वर्ग तंत्र में दोष और कमियां उत्पन्न हो जाते हैं तब यह संयत प्रजातंत्र में बदल जाता है, और
जब संयत प्रजातंत्र में जो समय के साथ साथ ये शासन व्यवस्था कार्य करती है और इसमें भी जब दोष और कमियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो ये शासन व्यवस्था किसमें बदल जाती है? अतिवादी लोकतंत्र में। और जब अतिवादी लोकतंत्र, जिसे शासन का सबसे निकृष्ट स्वरूप बताया है अरस्तु ने, जब इस शासन व्यवस्था में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो वापस से राजतंत्र शासन व्यवस्था होती है, फिर निरंकुश तंत्र आता है, कुलीन तंत्र आता है, अल्पतंत्र आता है, संयत प्रजातंत्र आता है, अतिवादी लोकतंत्र आता है। तो इस प्रकार से अरस्तु एक साइक्लोनिक प्रोसेस की बात करता है कि संविधानों और राज्यों का जो परिवर्तन का चक्र, वह इस प्रकार निरंतर चलता रहता है। तो संविधानों के परिवर्तन की व्याख्या के आधार पर अरस्तु ये बताता है कि यह परिवर्तन चक्र निरंतर चलता रहता है। जिस प्रकार से ऋतुएं बदलती हैं, उसी प्रकार से ये संविधानों का जो परिवर्तन चक्र, वह भी निरंतर चलता रहता है। जब तक शासन व्यवस्थाओं में दोष उत्पन्न नहीं होते हैं, शासन व्यवस्था काम करती रहती है। जब शासन व्यवस्था में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ कमियां आती हैं, और इस कमियां और दोषों को दूर करने के लिए दूसरी शासन व्यवस्था स्थापित होती है, इस प्रकार से यह परिवर्तन चक्र निरंतर चलता रहता है। तो देखिए, अरस्तु का जो संविधानों का वर्गीकरण हमने पढ़ा, इसकी कुछ आलोचनाएं भी आलोचकों ने करी हैं। तो हम आलोचनाओं के बारे में देखते हैं कि अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण की क्या आलोचना। देखिए, अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण की आलोचना, देखिए अरस्तु के इस वर्गीकरण में कुछ दोष कमियां रह गई हैं। उन दोष कमियों की आलोचकों ने व्याख्या करी है, और पहली इसमें जो कमी है वो यह है कि यह वर्गीकरण राज्य और सरकारों में कोई स्पष्ट भेद नहीं करता। ऐसा लगता है कि यह केवल सरकारों का वर्गीकरण है। देखिए, पहले इस वर्गीकरण की कमी यह है कि यह वर्गीकरण राज्य और सरकारों में किसी तरह का कोई स्पष्ट भेद अंतर नहीं कर पाता है, और यह लगता है कि यह वर्गीकरण केवल सरकारों का वर्गीकरण है, यह राज्यों का वर्गीकरण नहीं है। केवल सरकारों की इसमें बात कही गई है। इस प्रकार से इसमें सबसे कमी यह है कि राज्य और सरकार दोनों में स्पष्ट भेद है। वर्तमान में राज्य और सरकार में स्पष्ट भेद हम पढ़ते हैं, दोनों में भेद स्पष्ट भेद है, लेकिन अरस्तु का वर्गीकरण ऐसा लगता है कि ये राज्य का नहीं, केवल सरकारों का वर्गीकरण ही हमें देखने को इसमें मिलता है। दूसरी कमी यह है कि यह है कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र में भेद करता है, कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र में भेद करता है, जबकि दोनों
शासन व्यवस्थाओं में, जबकि दोनों शासन व्यवस्थाओं में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। अरस्तु शासन का जो शुद्ध स्वरूप कुलीन तंत्र को मानता है कि कुलीन तंत्र जो है शासन का शुद्ध स्वरूप है, जबकि वर्ग तंत्र को मानता है शासन का भ्रष्ट या विकृत स्वरूप है, शासन का गलत स्वरूप है। क्योंकि कुलीन तंत्र में भी कुछ वर्गों का शासन होता है और वर्ग तंत्र में भी कुछ वर्गों का शासन होता है। तो इस प्रकार से यह जो अरस्तु का वर्गीकरण कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र में क्या है, भेद अंतर मानता है, जबकि वास्तव में दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। अगली कवि यह है कि यह वर्गीकरण गुणवाचक आधार को गुणवाचक आधार पर नहीं है, केवल संख्यात्मक आधार पर है। जो कि असंगत है। अरस्तु का यह वर्गीकरण गुणवाचक क्वालिटी पर आधारित नहीं है, केवल संख्या पर आधारित है। अरस्तु ने एक व्यक्तियों के शासन की बात करी है, कुछ व्यक्तियों के शासन की बात करी है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर शासन किया है उसकी बात करी है, एक तंत्र, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। इस प्रकार से वह अपने वर्गीकरण को संख्या के आधार पर क्या करता है, स्पष्ट करता है, उसकी व्याख्या करता है, जबकि गुण की बात नहीं करता कि इसमें किस तरह से क्वालिटी की बात हो, कि किस प्रकार से क्वालिटी जो है वह शासन का आधार हो, केवल संख्या को ही वह क्या मानता है, इसका आधार मानता है। अगला दोष यह है कि यह वर्गीकरण राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय एवं विशालकाय राज्यों पर लागू नहीं हो सकता है। देखिए, अरस्तु का जो संविधानों के वर्गीकरण की अगली आलोचना यह है कि इसकी कमी है कि यह केवल छोटे राज्यों पर ही इसे लागू किया जा सकता है। राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय, विशालकाय जैसे राज्यों पर इस वर्गीकरण को लागू नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन कमियों के, दोषों के, आलोचनाओं के बावजूद भी हम यह कह सकते हैं कि अरस्तु का वर्गीकरण, संविधानों का वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण जो है राजनीति विज्ञान को देन कही जा सकती है, क्योंकि ये एक मौलिक देन नहीं है। क्योंकि प्लेटो के जो शासन का वर्गीकरण है उसी को ही अरस्तु ने आधार बनाकर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, लेकिन फिर भी जो इस प्रकार का जो वर्गीकरण है वह राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो देखिए, अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण के बाद में आपका जो अरस्तु का अगला टॉपिक आता है वह अरस्तु की क्रांति की अवधारणा। तो हम अब अगला टॉपिक आपका शुरू करते हैं, अरस्तु की क्रांति की अवधारणा।
देखिए आपका अगला टॉपिक है अरस्तु की क्रांति की अवधारणा। देखिए अरस्तु के समय में यूनानी जगत में राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त थी, यानी शासन जो था वह स्थिर रूप से नहीं था, स्थिर सरकारें नहीं थी, एक समय लंबे समय तक काम करने वाली सरकारें नहीं थी। तो ये जो कमियां जो थी वो अरस्तु ने देखी, क्योंकि एक के बाद एक शासन व्यवस्थाएं गिर रही थी और दूसरी शासन व्यवस्थाएं वह उनका स्थान ले रही थी। तो इस प्रकार से जो शासन में जो परिवर्तन वो यकायक हो रहे थे, तो अरस्तु इस राजनीतिक अस्थिरता से पूरी तरह से शुद्ध था और उसने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में 158 संविधानों का अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में उसने क्रांति का बहुत ही विशद और व्यापक रूप से उसने विवेचन किया। तो उसके समय में जो राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त थी उसे ही उसने क्रांति का नाम दिया। किस प्रकार से यूनानी जगत में जो राजनीतिक अस्थिरता थी उसको देखकर उसने देखा कि ये जो अस्थिरता थी, शासन में परिवर्तन निरंतर हो रहा है, तो उसको उसने क्रांति का नाम दिया। और इस क्रांति का उसने बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से निरूपण किया और उस क्रांति की अवधारणा का उसने स्पष्ट रूप से विवेचन करते हुए बताया कि क्रांति के कारण क्या हैं, सामान्य कारण, विशेष कारण की बात की उसने, क्रांति के कारण किस प्रकार से हैं। इसी प्रकार से क्रांति के कारणों के बाद में उसने क्रांति के उपाय, क्रांति के प्रतिकार, किस प्रकार से क्रांति होने से बचा जा सकता है, तो कारणों के साथ साथ उसने क्रांति के उपायों की बात भी की है। तो इस प्रकार से अरस्तु ने क्रांति की अवधारणा का बड़ा ही स्पष्ट और व्यापक रूप से अपनी पॉलिटिक्स में चित्रण किया है। उसने क्रांति के कारणों के साथ साथ क्रांति के बचने के उपाय, क्रांति से बचने के उपायों का भी उसने बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से उसने विश्लेषण किया है। तो देखिए अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है। क्रांति क्या है अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है? अरस्तु ये कहता है राज्य संविधान या शासन सत्ता में, वो क्रांति का अर्थ बताता है, राज्य संविधान, राज्य संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक छोटा बड़ा परिवर्तन, छोटा बड़ा परिवर्तन क्रांति है। अरस्तु ये बताता है कि राज्य संविधान और शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक छोटा बड़ा परिवर्तन क्रांति की परिधि में शामिल होता है। अरस्तु राज्य संविधान, उसने जैसे कि पहले बताया भी है कि मैंने आपको संविधानों के वर्गीकरण में बताया था कि संविधान में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन क्या होता है, राज्य में भी परिवर्तन को लाता है। तो शासन सत्ता राज्य संविधान में होने वाला छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा परिवर्तन वो किसमें आता है, क्रांति की अवधारणा में शामिल होता है। तो अरस्तु इस प्रकार से क्रांति में बड़ा ही व्यापक उसका स्वरूप बताता है कि क्रांति छोटी से छोटी गतिविधि भी क्या होती है, विद्रोह भी इसमें आता है, और बड़े से बड़ा विद्रोह या क्रांति जो होती है वो इसका कारण उसने बताया कि छोटा बड़ा प्रत्येक छोटे से छोटा बड़े से बड़ा परिवर्तन क्रांति की परिधि में आता है, उसे हम क्रांति कहते हैं। तो देखिए
वो बताता है कि क्रांति के कुछ कारण उसने बताए हैं, क्रांति क्यों होती है। देखिए क्रांति के कारणों की कुछ उसने बात करी है कि क्रांति के कारण कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। देखिए क्रांति के कारण निम्न है। पहला है एक शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरी व्यवस्था स्थापित करना। जैसे पुलिंग तंत्र के स्थान पर संयत प्रजातंत्र को स्थापित करना। देखिए अरस्तु ये कहता है कि कुलीन तंत्र के स्थान पर संयत प्रजातंत्र को बदलना, एक शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था को स्थापित करना, ये भी क्या है, क्रांति का कारण है। अगला वो ये कहता है कि पूरा परिवर्तन न करने के स्थान पर मात्रा में परिवर्तन करना। जैसे कि संयत प्रजातंत्र को कम ज्यादा करना। इस प्रकार अरस्तु यह बताता है कि पूरा परिवर्तन न करने के स्थान पर संयत प्रजातंत्र को कम करना, यानी मात्रा की बात करता है कि वह मात्रा जो है उस मात्रा को किस तरह से कम ज्यादा करना भी वह जो है इस परिवर्तन में शामिल होता है। तो इस प्रकार अरस्तु ये बताता है कि पूरा परिवर्तन न करने के स्थान पर, जिस प्रकार से पहले की बात करी हमने, पूरा परिवर्तन पुलिंग तंत्र के स्थान पर संयत तंत्र को स्थापित करना, पूरा एक व्यवस्था के स्थान पर दूसरे शासन व्यवस्था को स्थापित करने की बात कही हुई है, फिर पूरा परिवर्तन न करने के स्थान पर केवल मात्रा में परिवर्तन करना कि इस संयत प्रजातंत्र को कम या ज्यादा करना, ये मात्रा की बात करता है कि इसमें मात्रा की बात की गई है। तो देखिए अगला जो है वह यह है कि यदि शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों में कोई परिवर्तन होता है वह भी इस श्रेणी में आता है। देखिए शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों में कोई परिवर्तन होता है, जैसे कि एक शासक के स्थान पर कोई दूसरा शासक आता है, तो वह भी क्रांति का कारण माना जाता है। तो देखिए इस प्रकार अरस्तु ये मानता है कि कारण शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरी व्यवस्था पूरी तरह से परिवर्तित करना, फिर है मात्रा की बात करना, कम ज्यादा करना शासन व्यवस्था को,
कि अधिक लोकतांत्रिक करना या कम लोकतांत्रिक करना। फिर है परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों में, यदि परिवर्तन करने वाले जो व्यक्ति हैं, शासक के परिवर्तन की बात करता है कि एक शासक के स्थान पर दूसरा शासक आता है, तो वह भी क्या बनता है, क्रांति का कारण माना जाता है। तो इस प्रकार से अरस्तु देखिए क्रांति का बहुत ही व्यापक अर्थ प्रतिपादित करता है और यह बताता है कि क्रांति जो है वह शासन सत्ता में होने वाला कोई भी परिवर्तन, या संविधान में होने वाला कोई भी परिवर्तन, या राज्य में होने वाला कोई भी परिवर्तन, छोटा बड़ा जो भी परिवर्तन है, वह सब क्रांति की अवधारणा में शामिल है। इस प्रकार से वह छोटे से छोटे और बड़े से बड़े परिवर्तन को क्रांति की अवधारणा में शामिल करता है। अब देखिए इसके बाद आता है आपकी क्रांति के कारण। ये कुछ इससे व्याख्या से संबंधित कारण मैंने बताए हैं, अर्थ और व्याख्या से संबंधित कारण। अब अरस्तु के जो क्रांति के प्रमुख कारण हैं, वो इस प्रकार हैं। देखिए क्रांति के कारण की बात की है उसने, अरस्तु क्रांति के सामान्य कारण बताता है, विशेष कारण बताता है, क्रांति के सामान्य कारण, विशेष कारण और विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों में पाए जाने वाले विशेष कारणों को भी वह इसमें क्या करता है, शामिल करता है। तो इस प्रकार से अरस्तु क्रांति के सामान्य कारण बताता है, विशेष कारण बताता है और विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों में, जैसे कि कुलीन तंत्र है, जैसे कि राजतंत्र है, जैसे कि वर्ग तंत्र है, संयत प्रजातंत्र है, अतिवादी लोकतंत्र है, तो इन शासन व्यवस्था में क्रांति के कारण क्या हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। जिस प्रकार से क्रांति के जो कारण है इन विशेष प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में, वो बताता है अरस्तु की अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले क्रांति के सामान्य कारण की बात करेंगे कि क्रांति के सामान्य कारण में वह किन किन चीजों को लेता है। तो देखिए पहला पॉइंट लेते हैं हम सामान्य कारण, वह सामान्य कारण में दो कारणों को लेता है, असमानता, दूसरा लेता है अन्याय। अरस्तु ये कहता है कि सामान्य कारण में पहले एक बात करते हैं असमानता की। अरस्तु ये बताता है कि जो राज्य में असमानता होती है, जैसे अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, जो जो वर्ग हैं, ये क्या करते हैं, समाज में क्रांति के प्रमुख कारणों को उनके बारे में अरस्तु ये बताता है कि ये जो भेद है वो कारण क्रांति का प्रमुख कारण है। क्योंकि असमानता जो होती है, असमानता से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और उसके बाद में वह, जैसे किसी शासक ने जो निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ में कोई गलत व्यवहार किया, असमानता का व्यवहार किया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, शासक वर्ग से बदला लेगा। जिस प्रकार से नंद वंश ने कौटिल्य का अपमान किया और इस कौटिल्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी, और किस प्रकार से उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया,
बदला लेने के लिए ही तो बनाया था उसने। तो ये जो असमानता जो है, ये असमानता किस प्रकार से क्रांति का सामान्य कारण बनती है, अरस्तु ने बताया। दूसरा है अन्याय। यदि किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, कोई व्यक्ति शासक के पास जाता है और शासक उस व्यक्ति के जो है न्याय की बात नहीं करता, जैसे किसी व्यक्ति ने शासक के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई कि मुझे न्याय चाहिए, और उस शासक ने न्याय उसे नहीं दिया और बदले में तिरस्कार किया, तो इस प्रकार से जो ये अन्याय है, ये अन्याय भी क्या होता है, क्रांति का प्रमुख कारण बनता है। तो अरस्तु ने ये बताया है कि असमानता और अन्याय, ये दोनों क्रांति के क्या हैं, सामान्य कारण है। अब देखिए क्रांति के विशेष कारणों की बात करते हैं हम। क्रांति के विशेष कारण इस प्रकार हैं। क्रांति के विशेष कारण, देखिए अरस्तु क्रांति के विशेष कारणों की बात करता, उसे बताता है कि पहला जो कारण है शासकों की दृष्टता या लाभ की लालसा, शासकों की दृष्टता या लाभ की लालसा। फिर है दूसरा है सम्मान की लालसा, सम्मान की लालसा। तीसरा है किसी प्रकार की, किसी प्रकार की उद्दृष्टता। चौथा है घृणा, चौथा है घृणा। पांचवा है भय, पांचवा भय। छठा प्रमाद, छठा प्रमाद। सातवां है विदेशीय, विदेशीय या विजातीय प्रभाव। आठवां है शुद्र घटनाएं, आठवां है शुद्र घटनाएं। और नौवां है परस्पर विरोधी वर्गों का, परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलित होना। देखिए अरस्तु इस प्रकार अपनी क्रांति की का अवधारणा में क्रांति के विशेष कारणों की बात करता है, और क्रांति के विशेष कारणों में वह इन निम्न तथ्यों पर, कारकों पर प्रकाश डालता है।